बिजली का खंभा जंग हलूद होने के बायस एक तरफ झुक गया। दरखास्त लिखकर खतरे से आगाह करने के बावजूद बाबडा ने किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया। सुल्तान टाउन में जंग लगने से बिजली के खंभे की बुनियादें कमजोर हो गईं, जिसके बायस खंभा एक तरफ झुक गया है और आंधी तूफान या तेज हवा चलने के बायस किसी वक्त भी गिर सकता है, जिससे जानी नुकसान होने का खदशा भी लाइक है। पाकिस्तानी वेब चैनल के मीडिया रिपोर्टर आकाश खोकर ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि जंग लगने से बिजली के खंभे की तीन टांगे टूट चुकी हैं। सुल्तान टाउन की अवाम बाबडा दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गई है, मगर उनकी कोई सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका का कहना था कि इस बिजली टावर के गिरने से जाने नुकसान भी हो सकता है, जिसके जिम्मेदार बाबडा वाले होंगे। लोगों ने मीडिया रिपोर्टर पाकिस्तानी वेब चैनल को बताया कि हम बाबडा एक्सियन के पास भी दरखास्त लेकर गए और SDO के पास भी, मगर किसी ने हमारी दरखास्त पर जो ना दी। लोगों का कहना था कि उन्होंने फेस्को दफ्तर भी अपील की, मगर वहां की इंतजामिया ने भी किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया। सुल्तान टाउन के रहायशियों ने पाकिशिया को बताया कि वो इलाका के MPA चौधरी हामिद हमीद के पास भी गए, पर वो भी इस मामले पर कुछ ना कर सके। अहले इलाका सुल्तान टाउन ने आला हकाम से अपील की है कि वाबडा और मुतलका इदारों की लापरवाही का फौरी नोटिस लिया जाए। उनका कहना था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गली में खेलते हैं, ऐसे में अगर कोई नागाहानी हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।